पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते रोज़गार के शोबों में से एक है। हम कोई भी फील्ड उठा लें, हर जगह हम पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए काम करते हैं और ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सरकारी नौकरियां होती हैं, प्राइवेट नौकरियां भी होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाना सिखाया जाता है गवर्नमेंट को, जितना कुछ हम देखते हैं हमारे लिए कर रही है, ये सारे काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए किए जाते हैं। दोस्तों, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लाइब्रेरी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फील्ड है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी एक फील्ड में महारत हासिल करते हैं तो आपके लिए ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि गैर ममालिक में भी रोज़गार के बेपनाह ऑप्शंस मौजूद हैं। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ सुम्बुल शकील, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के बारे में। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप किस तरह से इस फील्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं, नौकरियों के लिए क्या मौके आपके लिए मौजूद हैं और क्या कुछ ख़ास है इस फील्ड में आपके लिए, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए आइए देख लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड आखिर है क्या। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक वसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंतजामिया के उसूल, पॉलिसी साजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रीजनल इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट से मुतारिफ कराया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी पॉलिसी साजी और उन्हें लागू करने के अमल का मुताला करता है। हकीकत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न सिर्फ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि अच्छा शहरी बनाने में भी बड़ा रोल अदा करता है। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को इंतजामिया की गहरी समझ तो देता ही है, साथ ही स्टूडेंट्स की सोचने की सलाहियत, दूरंदेशी और फैसला साजी को भी मजबूत बनाता है। हमारे मुल्क में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बढ़ते दायरे के चलते सरकारी और कॉरपोरेट शोबों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को सिर्फ सरकारी नौकरी पर मुनहसिर रहने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े किसी भी शोबे में महारत हासिल करते हैं तो आपके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार के इम्कानात मौजूद हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टूडेंट्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने के अच्छे मौके फराहम करता है। अक़वामे मुत्तहिदा और उससे मुंसलिक बैनुल-अक़वामी तंजीमें अपने ऑफिस और प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स की लगातार तकर्रुरी करती हैं। जो नौजवान एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की गहरी समझ रखते हैं और अखबारात और मैगजीन्स में सरकारी पॉलिसीज का तज्जिया और उसके असरात पर लगातार लिखते हैं, वो इस फील्ड में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की गहरी समझ के साथ बेहतर लिखने की सलाहियत रखते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड आपके मुस्तकबिल को रोशनास करने का काम कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड आखिर है क्या। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहां मिलते हैं एक एक्सपर्ट से और जानते हैं कि क्या कुछ खास है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में।
दोस्तों आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के बारे में, और इस सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर सुरेश मिश्रा। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो फील्ड है, अब ये एक महज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तेज़ी से उभरने वाले जो रोज़गार के शोबे हैं उनमें से भी एक है। ऐसे में अगर एक नौजवान आम जबान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग प्रशासन भी कहते हैं हिंदी में, बेसिकली सरकार, उसके तंत्र, एजेंसीज और किस तरह कानून और नियम बनते हैं, ये उसका एक पहलू है। दूसरा है जो तीनों अंग हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनके बारे में अध्ययन इसमें होता है। और तीसरा है जो पॉलिसीज बनती हैं, जो सिविल सर्विसेज वगैरह लोग रहते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग और फॉर्मुलेशन दोनों में उनकी हिस्सेदारी रहती है। पॉलिसीज को कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका इवैल्यूएशन कैसे होता है, ये सब दृष्टिकोण जो है एक सिटीज़न के वेलफेयर के पर्सपेक्टिव में होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही अंतर है कि गवर्नमेंट जो है सोशल कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखती कि हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, लेकिन लोगों को फ़ायदा होता है उसके लिए। इसलिए कोई भी सिस्टम जो सरकार का होता है, गवर्नमेंट का, वो इसके तहत अध्ययन किया जाता है। यानी लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कुछ हो सकता है वो इसमें काम किया जाता है सरकार के ज़रिए। जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं इस फील्ड में, जब कोई तालीम लेता है इस फील्ड में कोई नौजवान, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? देखिए, सरकार के बहुत व्यापक फंक्शंस होते हैं, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। शुरुआत में आप सब कुछ पढ़ते हैं, बाद में जाके स्पेशलाइज कर लेते हैं, जो आपकी रुचि होती है उस पर स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट्स कैसे होती हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, पार्लियामेंट में पॉलिसी नियम कैसे बनते हैं, लेजिस्लेटिव उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब उसमें स्टडी में आता है। बजट फार्मुलेशन कैसे होता है, ग्रामीण विकास कैसे किया जाता है, अर्बन डेवलपमेंट कैसे होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे आप होते हैं, ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज तक अध्ययन किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है। और अगर आप देखें तो रिफॉर्म्स बहुत होते हैं, उनका भी अध्ययन इसमें होता है कि अलग अलग समय में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये एक अगर आप देखें ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो राइट फ्रॉम बजट से लेके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ग्रामीण अगर पॉलिसी है तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे क्या क्या पॉलिसीज रही, उसका अध्ययन होता है। और उसी तरह शहरीकरण में भी उसका अध्ययन होता है। उसके अलावा थियोरिटिकल बहुत होता है इसमें। अच्छा। जो थिंकर्स हैं जिन्होंने थियरीज दी है, जैसे वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, वहाँ से लेके बहुत सी थियरीज भी हैं, तो उस थियरीज को भी पढ़ा जाता है ताकि थियरी को प्रैक्टिस से आप जोड़ लें। अगर कोई विषय आपको समझना है, जब तक आप थियोरिटिकल फाउंडेशन नहीं समझ पाते कि किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है ये, फिर आप बाकी विषय समझ। तो थियरी भी है और सरकार के बारे में कंपेरेटिव भी है, अन्य देशों में कैसे सरकारें होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, तो ये अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में कवर किया जाता है। तो हमारे मुल्क में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड है वो कितनी अहम हो जाती है? बहुत अहम है, क्योंकि सरकार से ही संबंधित है। सरकार तो सभी को टच करती है, सभी सिटीजन्स को टच करती है उनके जीवन में। आप कितना भी प्राइवेटाइजेशन कर लेंगे लेकिन सरकार का रोल आप नहीं हटा सकते हैं। इसलिए ये है कि सर्विस डिलीवरी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस देश में आप देखें गरीबी अभी भी बहुत है, लोगों को एक्सेस नहीं है बहुत सी चीज़ें, बेसिक बुनियादी चीज़ों का भी। इसलिए सर्विस उनके तक पहुंच जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, अगर नहीं पहुंचती है तो कौन जिम्मेदार उसके लिए, पहले ये एस्पेक्ट नहीं होता था।
सरकार में पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट्स बना लिया है और जिम्मेदारी फिक्स कर दिया है कि अगर नहीं पहुंचती किसी को, वो शिकायत करता है तो सरकार पीछे देखती है, बैक चलती है कि भाई किसकी वजह से नहीं वो मिली। इसलिए सर्विस डिलीवरी आज एक बुनियादी इशू हो गया है और ये आईटी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह अब लागू होने लगा है कि पिलफरेज नहीं होता, जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में पैसा चला जाता है, अकाउंट में चला जाता है। अच्छा। पहले इस तरह नहीं होता था। अच्छा। तो ये है दूसरा, बहुत से आप देखें कि ग्रेन्स जो है, फूड ग्रेन्स भी कितना डिलीवर हो रहा है आज, सभी को लगभग खाने के लिए मिल रहा है। तो डिलीवरी सर्विस की बेहतर हो गई है, क्वालिटी उसकी और अच्छी हो गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उस पर मॉनिटरिंग भी बहुत आसान हो जाता है। आप देख लें, जैसे आपको पासपोर्ट बनाना है, हम लोग जो पासपोर्ट पहली बार अप्लाई किए थे मान लीजिए 25 साल पहले, तो 3 महीने का जहद होता था। आज जो है आप चले जाइए, अगर आप तत्काल में बनाते हैं तो 5 दिन के अंदर नहीं आता है तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो एफिशिएंसी बेहतर हुई है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि जनता को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करें, ट्रांसपेरेंट वे में, अकाउंटेबल वे में, रिस्पॉन्सिबल होके, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा आज प्रयास यही है। ऐसे में अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है तो क्या काबिलियत या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो है कि उसको रुचि होना चाहिए, पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, उस क्षेत्र में। उसके बाद अगर वो अध्ययन करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो बीए से शुरू होता है, इनफैक्ट 12th से ही शुरू हो जाता है, जो हम लोग के यहाँ विभाग बन जाता है कि साइंस को पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा, वहीं से आप 12th वगैरह में देखें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, नॉर्मली आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मिलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका ऑफशूट है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसलिए आप देखें अंडर ग्रेजुएट से आपको ये कई विश्वविद्यालयों में आपको ये मिलता है, बट ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ते हैं उसमें भी पेपर्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कुछ पेपर्स होते हैं, तो उन पेपर को पढ़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे भी वो मास्टर्स डिग्री वगैरह कर सकते हैं। तो इंक्लिनेशन होना चाहिए, फिर उनके माध्यम में एक उचित डिग्री ले ले, उससे जो है फिर आगे वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं इस एरिया में। सर, अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो किस तरह की तालीम यहाँ दी जाती है या कहें रिसर्च, किस तरह की रिसर्च यहाँ कराई जाती है? देखिए, पब्लिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1954 में बना था, इसकी स्थापना हुई थी। पॉल एपलबी की एक एक्सपर्ट थे मैक्सवेल स्कूल के, यूएसए के, वो आए थे अध्ययन करने कि हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स कैसे होना चाहिए, और वही कमिटी ने सजेस्ट किया था कि एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करे, और उस कमिटी के बेस पर ये 54 में सेटअप हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले उसके प्रेसिडेंट थे सोसाइटी के। हम लोग यहाँ पर कोई उस तरह का सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ाते हैं, हम बेसिकली मुख्यतः ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। जो लोग सरकार में आ जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, उनका कुछ 5-10 साल बाद जो उनकी एक इन सर्विस ट्रेनिंग जो होती है, उनकी योग्यता क्षमता, जैसे समय बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इनको नई नई चीज़ों से इक्विप्ड कराया जाता है। और बेसिकली हम एक तो ट्रेनिंग करते हैं, हमारे यहाँ कई विषय की ट्रेनिंग होती है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देख लें, इकोनॉमिक्स भी आता है, अर्बन रूरल डिजास्टर, बिहेवियरल साइंस भी, आपकी अच्छी कैसे सिविल सर्वेंट बिहेव करे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लोगों के साथ उसका क्या होना चाहिए। तो एक तो हम ट्रेनिंग करते हैं, और हमारी सबसे लंबी ट्रेनिंग 10 महीने की होती है यहाँ पर, वो मिक्स्ड है आर्मी और सिविल सर्विसेज का,
डायरेक्टर लेवल तो सिविल सर्विस सर्वेंट आता है और ब्रिगेडियर लेवल जो है डिफेंस वाले आते हैं। तो ये 10 महीने हमारे साथ रहते हैं, इनको एमफिल की डिग्री मिलती है पंजाब यूनिवर्सिटी की। सो इनमें इनको पूरा जो है हर चीज़ नया नए तरह से बताया जाता है, जो नए चेंजेस हुए हैं, जो बहुत सी न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं उनसे ये 10 महीने यहाँ रह के अध्ययन करते हैं। और फिर मिलिट्री और सिविल का इंटीग्रेशन भी कैसे हो, बेहतर हो, तालमेल हो, कभी इमरजेंसी होती है तो कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन है, बहुत से इस तरह के शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं। दूसरा हमारा रिसर्च पर बहुत, कुछ रिसर्च तो सरकार कहती है कि इस एरिया में उनको काम चाहिए, अध्ययन चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ का हम इवेल्युएट करते हैं, प्रोग्राम्स जो रन करते हैं उनका हम इवेल्युएशन करते हैं कि सही तरह जा रहा है कि इसमें कोई खामी है, अगर कोई खामी है तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको आप प्रोग्राम को फिर से रीओरिएंट करिए उसमें उसकी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तीसरा है हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पब्लिकेशन। हमारा इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1954 से लगातार पब्लिश होता है और वो बहुत पॉपुलर है, खासतौर जो बच्चे सिविल सर्विस देते हैं उनको निश्चित रूप से इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए। उसका एक छोटा वर्जन हिंदी भी आता है, भारतीय लोक प्रकाशन का, तो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे लोग लिखते हैं और बहुत मदद करता है वो समझने में कि इस देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र और व्यवस्था कैसे चल रही है उसके। तो ये हम बेसिकली ये हम करते हैं, हमारी ब्रांचेस जो है हर स्टेट में होती हैं, ये सिमिलर काम करती हैं। और सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या कुछ पढ़ाया जाता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, पॉलिसी मेकिंग आती है, तो जब कोई नौजवान तालीम लेता है शुरुआती दौर में किस तरह के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभानी पड़ती हैं और ग्रोथ के क्या चांसेस, आई एम श्योर बहुत आगे तक जाते होंगे, फिर भी आपसे सुनना चाहिए। मान लीजिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता है, देखिए बहुत स्कोप बहुत व्यापक है, सिविल सर्विसेज से लेके आप इंटरनेशनल एजेंसीज में भी काम कर सकते हैं, नेशनल एजेंसीज में भी काम कर सकते हैं, आप एनजीओ के सेक्टर में जा सकते हैं, तो बहुत ओपन है, बहुत एम्प्लॉयमेंट की चांसेस बहुत है और इंटरनेशनल यूएन एजेंसीज में बहुत लोग काम करते हैं, उससे भी फायदा होता है। प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरर बन सकते हैं, आजकल तनख्वाह बहुत अच्छी है लेक्चरर्स की, बहुत अच्छी ओपनिंग्स यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं वहाँ पर भी है, स्टेट्स में, इस देश में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हैं। तो आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, सिविल सर्विस में जा सकते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आप काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग की तरह बहुत से लड़के यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ के आते हैं, हम लोग यहाँ वो रिसर्च ऑफिसर्स वगैरह की तरह काम करते हैं, 2-3 साल रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती है यहाँ पर रह के, फिर वो आगे जो जाते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पर ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक तरह उस लेवल के बच्चों को हम, मैं कहूँगा कि ये रिसर्च के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। हमारे यहाँ इस समय करीब 50 रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट्स काम कर रहे होंगे और वो सीख के चले जाते हैं 2-3 साल में जी। तो उनको एक विषय मिल जाता है जिस पर वो काम करते हैं, उसके जैसे आप रूरल डेवलपमेंट अर्बन में देख लें, बहुत सी स्कीम्स में लोग काम करते रहते हैं, सब यंग पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, रिसर्च करके आते हैं वहाँ, तो वो थियोरी और प्रैक्टिस दोनों को इंटरलिंक करके उतनी उनके समझ आ जाती है जी। कि एक ग्राउंडिंग बहुत अच्छी उनको मिल जाती है। क्या कुछ खास या नई पहल इस इंस्टीट्यूट ने की है और क्या नया हम देख सकते हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि समय के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी बहुत अहम हो गया है अब उसका अध्ययन, क्योंकि हर पॉलिसी का एक मकसद होता है, एक एम होता है, पहले रहता था कि लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ इस पर बहुत चिंता नहीं होती थी, वो एक तरफा रहता था, अब जो है पब्लिक पॉलिसी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग रिसर्च के माध्यम से इन पॉलिसीज़ का इवेल्युएशन जो करते हैं उससे सरकार को जो हम रिपोर्ट्स देते हैं, हम बताते हैं कि
अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, कोई चीज़ लागू करना है उसमें क्या चेंज होना है, तो एक तो ये है। दूसरा जो है ट्रेनिंग में हम बहुत से नए कंपोनेंट्स लाते हैं, बहुत से जैसे आप अब देखें मिशन कर्मयोगी का चल रहा है, तो कोविड के टाइम में भी हम लोग ब्लेंडेड मोड में आके ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे, एक साल हम लोगों ने पूरी ऑनलाइन और पूरी उसके लिए तैयारी जो हम लोगों को करना था, वीडियो बनाना, रीडिंग मटेरियल बनाना, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद हम ही लोग एक संस्था थे जो कोविड के टाइम भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग पर रहे, और जो नया डेवलपमेंट होता है उसको उस ट्रेनिंग में हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं कि नई चीज़ें जो आती हैं, तो उसे स्किल अपग्रेडेशन होता है, नॉलेज अपग्रेडेशन होता है, और उनको ये भी पता चलता है कि उनके अलावा और जगह में क्या काम हो रहा है। तो एक तो दूसरा हम लोगों का ये रोल है। तीसरा जैसे मैंने कहा पब्लिकेशंस हमारे बहुत अहम होते हैं, कई विषय पर पब्लिकेशन निकालते हैं, जर्नल्स छोड़ के बुक्स हम बहुत पब्लिश करते हैं और बहुत पॉपुलर हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में। आप चूँकि कंज्यूमर इश्यूज़ के एक्सपर्ट भी हैं और आपके खुद के भी कई पब्लिकेशंस आए हैं, तो आपके जो अहम काम है उसको जानना चाहेंगे और इस फील्ड में आपका आपने क्या नज़रिया पेश किया है उसको भी जानना चाहेंगे। देखिए हम लोग 2007 में एक सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज़ यहाँ खुला था जो कंज्यूमर मंत्रालय के सहयोग से, और तब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया ये कंज्यूमर स्टडीज़ में उपभोक्ता मामले। जो हम लोगों ने काम शुरू किया तब कोई काम हुआ नहीं था इस एरिया में, बहुत छोटा मोटा, वो लॉ डिपार्टमेंट्स और कॉमर्स वाले ही करते थे। तो वहाँ से हम लोगों ने करीब 15 साल में इस लेवल पर ला दिया है कि आज कंज्यूमर अफेयर्स की चर्चा होती है, कहीं आप चले जाइए आपको इस विषय पर कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। तो इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने में IIPA का एक बहुत अहम रोल रहा, इतना रहा कि UGC ने रिकग्नाइज करके इसको अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कॉमन मॉड्यूल भी बना दिया है सब यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। तो IIPA ने कंज्यूमर को इतना ऊपर ले गए हैं कि वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज हो गई है इस समय, और हम लोगों ने बहुत पब्लिकेशंस किया है, बहुत सा रिसर्च किया। फूड वेस्टेज पर हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च रहा, शायद अपने तरीके का पहला रिसर्च रहा है कि हमारे सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं सोशल गैदरिंग, शादी वगैरह, बर्थडेज में, इसमें कितना फूड वेस्ट होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ खाने की कमी है, दूसरा हमारे यहाँ लोग खा खा के मरने लगते हैं इतना, और उसको इवन BBC वगैरह ने कवर किया था और दूरदर्शन ने तो खैर इस पर बहुत चर्चा की थी, तो वो हम मानते हैं एक पाथ ब्रेकिंग रिसर्च हम लोगों का था। दूसरा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है उसमें हम लोग का बहुत हिस्सेदारी थी, उसको नया रूप देने में, नई चीज़ें जो पिछले उसमें एक्ट में नहीं था उसको लाने में हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। खासतौर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो रेगुलेटर है उसको मैं पर्सनली उसको स्ट्रक्चर देने में इन्वॉल्व था, तो इसलिए एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जहाँ एक विषय उसकी चर्चा नहीं होती थी आज वो विषय इतना व्यापक हो गया है कि हम सभी को टच करता है कंज्यूमर का। सो ये हम लोगों का IIPA का वो एक मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है सर, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सिखा रहे हैं किस तरह से लोगों की भलाई के लिए आप काम कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, सिविल सर्विस तो एक है, बस सिविल सर्विस तक इसको ना सीमित रखें, लेकिन कोई भी एरिया आप चुन लें जब तक आपको लगन नहीं होगी, मेहनत नहीं होगा, देखने में अच्छा लगता है कि कलेक्टर बन गया है लेकिन उसके बनने में कितना परिश्रम किया होगा उस व्यक्ति ने, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है, तो इसलिए वर्क हार्ड, मेहनत करिए, लगन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, लक्ष्य दूर नहीं होता है लेकिन शॉर्टकट नहीं है, है ना। शॉर्टकट के लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों को फिर तो आप कहीं और चले जाइए,
लेकिन अगर आपको इस एरिया में आना है, नहीं भी आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो और बहुत से हैं, बहुत से, लेकिन यू शुड हैव द इंक्लिनेशन टू वर्क हार्ड। एनजीओ सेक्टर लगता है बहुत वैसे है, लेकिन बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे जो होते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को मेहनत करने की एक वो है तो लक्ष्य नहीं उसको मिल सकता। यही मैं कहूँगा आज के बच्चों के लिए कि शॉर्टकट नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन की तरह बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर देता है, तरह तरह के डायमेंशंस आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, सरकार के बारे में, सरकार के इंटरलिंकेजेस के बारे में, एजेंसीज कैसे काम करती हैं, वो आपको तैयार कर देता है कि कहीं भी जहाँ भी सरकार से संबंधित कोई कार्य हो रहा है वहाँ फिट हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह। तो बहुत है स्कोप है इसमें, बहुत अच्छा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट के साथ अगर आप मेहनती हैं तो इस फील्ड में आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बिना मेहनत के तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमें ये तमाम जानकारियाँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम आपके माध्यम से हम लोग और इसको ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हासिल करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो सबसे अहम सेगमेंट है, जहां हम बात करते हैं नौकरियों और एडमिशंस के बारे में। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त कहां कहां आपके लिए नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशंस ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।